हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कभी और व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज है सावन मास का लास्ट सोमवार और हम जा रहे हैं देवलसारी मंदिर में। तो चलो मिलते हैं आपको खास पट्टी के देवलसारी मंदिर में। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं देवलसारी। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज है श्रावण पक्ष का लास्ट सोमवार और जाना माना मंदिर है हमारा देवलसारी। बाकी यहाँ की कुछ पौराणिक चीज़ें हैं, पौराणिक बातें हैं, बहुत सारा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको हल्का फुल्का देवलसारी मंदिर, जो कि खास पट्टी में पड़ता है और आप देख सकते हो अभी रेनोवेट हो रहा है फ़िलहाल, तो क्योंकि कई चीज़ें हैं, काम चल रहा है। पहले बहुत छोटा था, अब तो काफ़ी बड़ा है दिखने में। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आप उपस्थित हैं देवलसारी महादेव में, जो कि स्वयंभू सिद्धपीठ मंदिर है। स्वयंभू का मतलब जिसकी कोई स्थापना न की जाए। ये जो पिंडी है यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे वीडियो के माध्यम से ये स्वयं उत्पन्न हो रखे हैं। और यहाँ की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ जितना भी जल दूध वगैरह आप चढ़ाते हैं वो स्वतः ही समा जाता है। अन्य आप शिवालय में जाएंगे तो वहाँ अर्ध परिक्रमा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने जो जल भगवान शंकर को चढ़ाया उसकी निकासी होती है बाहर, उसको नांगते नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप जितना भी जल चढ़ाओगे वो स्वतः ही समा जाएगा। कहाँ जा रहा है इसका आज तक कोई पता नहीं, ये रहस्य है। कितने साल पुराना मंदिर होगा? कितने लगा? हाँ, जो है ये सावन के महीने में और कितने महीने यहाँ पर जो है पूजा होती है? आजकल तो लगातार पूजा चल रही है, लेकिन विशेषकर है सावन के महीने, माँ के महीने यानी कि जनवरी फरवरी के दौरान और शिवरात्रि के उपलक्ष में यहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है। तो वैसे आप देख सकते हो ये है क्षेत्रपाल देवता। और जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि इस मंदिर की विशेष बातों के बारे में, मतलब कि यहाँ पे जो शिवलिंग में दूध और पानी चढ़ाया जाता है वो एकदम मतलब धरती में समा जाता है क्योंकि उसकी कोई निकासी नहीं है। बाकी आप देख सकते हो हमारे इस चीज़ के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं इस मंदिर की विशेषताएँ। बाकी तो यह है क्षेत्रपाल देवता, ये हमारे पौराणिक परंपरा ढोल। और आप देख सकते हो यहाँ दो दो देव ढोलियाँ आई हैं, मुझे खुद नहीं पता कौन सी कहाँ की है, पर एक जागीरदार की है, दूसरी का पता नहीं। राजराजेश्वरी भेटड़ी की देव डोली है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम पहले से ही जुड़े हुए हैं माँ कालिंगा से, बाकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश है और कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, तो हम हर एक चीज़ की मान्यता रखते हैं। और वो है सामने बीपुरम की डोली, नॉट कंफर्म कि क्या है, कौन सी माता है, यही वो भी राजराजेश्वरी और वो भी राजराजेश्वरी है। बाकी आप देख सकते हो रहा सारे समय कार्य निर्माण और प्रगति की ओर है। तो भगत जी, सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम। मुझे माता की डोली के बारे में जानना है और कहाँ की है और क्या मतलब इस चीज़ का विस्तार है, क्या क्या लोगों ने कमाया है इस चीज़ से, क्या क्या पुण्य की बातें हुई है। जय माता की सबको। आज सोमवार के शुभ उपलक्ष्य में हम शिव जी के दर्शन करने के लिए आए हैं माता को लेकर। तो बाकी भक्त लोग सब इकट्ठे हैं यहाँ पे, आस पास दिख रही होगी आप सबको जिस प्रकार से माता नाचरी। और संडे को माता नोरे बोलती है, मतलब सब सबकी समस्या बताती है, समस्या का समाधान बताती है। संडे के दिन नोरे बोलते हैं उसे उस दिन। और बाकी के दिन जब माता का दिन होता है उस दिन माता बाहर अपने, आज तो भोलेनाथ से मिलने आ रही थी दर्शन के लिए। बाकी यही है, भक्तजन आते हैं, किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। कौन सा स्थान है और माता का नाम? माता का स्थान है बीपुरम, भागीरथीपुरम बरात घर के पास। हाँ जी। और माता की डोली है सुरकंडा देव डोली। हाँ, सुरकंडा माता की डोली है। और कितना टाइम हो चुका है आपको माता को? अभी तीसरा साल चल रहा है। ओके। हाँ, और वैसे खास कर तो माता मेरे पे आती है जी। हाँ जी, मेरे को 7 साल हो गए अभी माता को, 3 साल हो गए। ओके। हाँ, बाकी धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। जय माता।
बाहर की ये हैं भैरव बाबा और वो है नंदी, बाकी आप देख सकते हो अभी देव डोलियाँ नाचेगी, तो हल्का फुल्का शॉट लूँगा मैं आपके लिए। बाकी आज भीड़ बहुत कम है क्योंकि आजकल मौसम है बारिश का बहुत तकड़ा वाला और रोडें जगह जगह टूट रखी है। Thank you.
तो गाइस चलते हैं यहाँ से, बाकी मिलते हैं आपको सीधे अपनी कार के पास। सो गाइस फाइनली इसी व्यू के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड और मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।